दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉप सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिसका यूज आज सक्सेस हुए लगभग हर पर्सन ने किया है। यह इतना चमत्कारिक है कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में इसे बयां कर पाना कठिन है। आप इसके चमत्कारों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर एक बार आप इसे अमल में ले आए तो। और यदि आप इसे एक बार अमल में ले आए तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं। ओनली आप इस फॉर्मूला का यूज करके कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मेरी बातों पर आपको ऐसे यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे अमल में लाएंगे तो आपको अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते दिखाई देंगे। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बताती हूँ आपको वो टॉप सीक्रेट फॉर्मूला। दोस्तों, आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखें, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो या एलन मस्क, हर इंसान ने इस फॉर्मूला का यूज किया है। आप खुद भी ये बात जानते हैं कि इन सभी पर्सन जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो स्टार्टिंग से रिच या उनका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन ये सभी बंदे जीरो से हीरो बने हैं अपनी मेहनत व काबिलियत के दम पर, और उस फॉर्मूला का यूज करके जिन्होंने इन्हें महानतम सफलता दिलाई। और वो फॉर्मूला है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद। जी हाँ, यही है वह जिंदगी बदल देने वाला शब्द जो दिखता तो साधारण सा है, लेकिन इसके चमत्कार हैरान कर देने वाले हैं। आप किसी भी हाईली सक्सेसफुल पर्सन का इंटरव्यू देख लीजिए, हर इंसान ने ग्रेटिट्यूड को महानतम बताया है। इस वर्ड में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिससे हर चीज आपके पास खिंची चली आती है। ऐसा कोई काम नहीं जो इसके लिए असंभव हो। इसके जरिए हर चीज पॉसिबल है, चाहे वह कुछ भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर दिन कम से कम 100 बार धन्यवाद दिया। आई थिंक हम उनसे ज्यादा बिजी तो नहीं हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला जिन्हें आप सभी जानते होंगे, ओप्रा विनफ्रे, मीडिया पर्सनालिटी एंड बिजनेस वुमेन, उनका कहना है, मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस महानतम शब्द का यूज कैसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कर सकते हैं। मैं आपको हिदायत दूंगी कि आप इसका यूज अपने दिन की शुरुआत में ही करें, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागे जैसी बात होगी। मतलब दिन की शुरुआत में ही आप इसे अमल में लाएंगे तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। आप सवेरे जैसे ही जागें तो बेड पर ही ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें कि उसने आपको सुबह जगाया, ताकि आप अपने प्रियजनों से मिल सके, अपने परिवार से मिल सके और अपने सारे जरूरी काम कर सके। और सबसे अहम बात, आप सुबह जागे तो आप अपने जीवित रहने के लिए ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि आप जीवित उठे हैं, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जब आप यह कर लें तो दिन के सारे रूटीन पर एक नजर डालें कि आज आपको क्या क्या काम करना है, और अपनी आंखें बंद करके उन सारे कामों के लिए इस तरह से धन्यवाद दें जैसे वो सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हों, बिल्कुल फील करके। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जब तक किसी चीज को फील नहीं करेंगे तब तक वह आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। तो एहसास होना, फील होना बहुत जरूरी है। आपके एहसास ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि आप बुरा महसूस करेंगे तो मुंह से आप कितना भी थैंक्स बोल लें, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए धन्यवाद बोलते समय हमेशा खुश होकर अच्छे एहसास से पूरे हृदय से धन्यवाद दें, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी कब जादू की तरह बदलने लग जाएगी। आप अपने यूज की हर छोटी छोटी चीज को धन्यवाद देना शुरू करें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं, बट इससे आपके बड़े से बड़े काम रुक जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके फुटवेयर्स को ही ले लें। अब आप सोचेंगे इसे क्या धन्यवाद दें, लेकिन बिना फुटवेयर के आप अपना पैर घर के बाहर तो निकाल कर देखिए, आपको उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। आप पानी को धन्यवाद दें, बिकॉज इसके बिना तो हमारा जीवन असंभव है। पानी अनमोल है, उसकी वैल्यू से तो हम सब वाकिफ हैं, वो नहीं तो हम नहीं। आप हवा को धन्यवाद दें,
क्योंकि पानी के बिना तो हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मैं जब कंटेंट लिखने बैठती हूँ तो उसे शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करके पूरा फील करके अपने पेन, अपनी डायरी और उस बेशकीमती समय के लिए ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे ईश्वर, आपने दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद भी मुझे मेरी फेवरेट काम के लिए समय दिया। और फिर कंटेंट सफलतापूर्वक लिखा जा चुका है, इसे फील करते हुए मैं ईश्वर का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं धन्यवाद वर्ड का सिर्फ राइटिंग के टाइम यूज नहीं करती, बल्कि मेरे धन्यवाद कहने की शुरुआत सुबह मेरी आँख खुलने के साथ ही शुरू हो जाती है कि हे ईश्वर, मुझे ये खूबसूरत दुनिया एक बार फिर से दिखाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बस फिर छोटी बड़ी जिस भी चीज को मैं यूज करती हूँ, पहले उसका धन्यवाद करती हूँ, उसके लिए एहसान मंद होती हूँ। इस शब्द को आप जितना ज्यादा अमल में लाएंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए समृद्धि के रास्ते खोलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लग जाएगी। बस इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसको करने के लिए अलग से समय निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे जो काम कर रहे हो उसके साथ ही आप धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर काम करते हुए आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं। मेरे लिए धन्यवाद देना मेरी एक आदत बन चुकी है और इसने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी है। मेरे हिसाब से धन्यवाद देना भी उतना ही जरूरी है जितना पानी पीना और खाना खाना, बिकॉज यह ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हमें हर रोज दोनों टाइम भरपेट भोजन मिल जाता है, चाहे उस दिन हम काम करें या नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इस जीवनदायी भोजन और पानी को हमें धन्यवाद देना चाहिए? ईश्वर ने हमें हर दिन 24 घंटे का उपहार दिया, क्या हमने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? जरा इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी उसी पल से बदलने लग जाएगी जिस पल से आप अपने आसपास की चीजों, अपने प्रियजनों, हवा, पानी, प्रकृति या जिस भी चीज का आप यूज करते हो के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए एहसान मंद होना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। मेरा एम यह नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखें और मेरा वॉच टाइम बढ़े। मेरा एम यह है कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ न्यू एंड 100% इफेक्टिव जानकारी आपको देती हूँ, तो आप केवल उसे अमल में लाएं। मेरा मकसद सिर्फ अपनी सक्सेस पाना नहीं है, बल्कि आपको भी सफल बनाना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी हर वीडियो से कुछ सीखें और उसे अमल में लाएं। और रियली, अगर आप मेरी वीडियोस में बताई बातों को अमल में नहीं ला सकते तो मेरी वीडियोस मत देखिए, बिकॉज इससे फिर आपका ओनली टाइम ही वेस्ट होने वाला है। यदि आप किसी चीज को अमल में ला सकते हैं तो ही मेरी क्या हर नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस फॉर्मूला को तो आप जरूर अमल में लाएंगे, बिकॉज इससे इजी कुछ भी नहीं है। आप इस महानतम शब्द का यूज करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब आपकी जिंदगी कैसी है। मेरी हर वीडियो को इतने ध्यान से देखने और समझने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।